गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं क्लास टेंथ मैथ एक्सरसाइज 14.3 पार्ट टू। ठीक है, पार्ट टू हमने ये करना है। पार्ट टू में हम देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाएंगे। सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स मैंने लिखा है 14.3 का। तो क्या हम भी इसमें भी जो हमने मीडियन ही फाइंड करना है। अगर मीन और मोड भी अगर आपको कहा हुआ है ना, तो बेटा वो आपने करना है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है ना, वीडियोस में अब मैं आपको जो है पूरा प्रॉपर कराऊंगा तो काफ़ी टाइमिंग जो है वो कंज्यूम हो जाता है। ठीक है ना, और मेन और मोड तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो मैं इसमें वीडियो में सिर्फ मीडियम ही बताऊँगा। ठीक है, ओके। तो देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन आपको क्या गिवन है। सी एफ आप फाइंड कर लोगे मीडियन फाइंड करने के लिए। सिक्स ये तो आपका सेम ही रहेगा। क्या आया है सिक्स, सिक्स में 30 ऐड कर दो तो 36, 36 में 40 ऐड कर दो तो 76, 76 में 16 ऐड कर दोगे 92, 92 आ गया, 92 में ये 4 ऐड कर दो तो 96, 96 में ये वाला 4 ऐड कर दो तो ये 100। इट मीन ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 100 आ गया। ओके, तो अब आप क्या लिख लोगे, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ एन बाई ट्वेल्थ आइटम। तो साइज ऑफ एन की वैल्यू 100 बाई ट्वेल्थ आइटम, तो कितना आ जाएगा, 100 को 2 से कट करोगे 50, 50 आ गया एन बाई टू। तो 50 आपको कहाँ पर लोकेट करना है, सी एफ में। देखो सी एफ में 50 कहाँ पर आएगा, 36 और 76 के बीच में, सी एफ में ही हमें ढूंढना होता है। ठीक है, तो छोटे वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी, सी एफ, और बड़े वाले के सामने वाली वैल्यू एफ, और उसके सामने वाली वैल्यू एल। यानी एल कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो एल हो जाएगा 7 और एफ हो गया है 40, सी एफ आपका हो गया 36 और एच आपका कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 10 में से 7 लेस करोगे। ठीक है ना, एच आपका क्या होगा, 10 में से जो आप 7 लेस करेंगे 3। ठीक है ना, 10 - 7 3। ओके, तो यह एच आ गया आपके पास, और एन बाई टू तो आपने देख लिया, एन बाई टू आपके पास क्या आ गया है, 50। बस अब आप जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए मीडियन, और मीडियन को नोट करते हैं कैपिटल एम से, तो एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है 7 प्लस एन बाई टू 50, सी एफ कितना आ गया 36 अपॉन एफ 40 और एच 3। 7 प्लस इसमें से इसको लेस करोगे तो 14/40 इंटू 3, तो 7 प्लस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 42/40, तो 7 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा, मैं इसको डिवाइड करता हूँ 1.05। इसको इससे डिवाइड करके आ गया, अब इसको इसमें ऐड कर दीजिए, 7 में जब आप ऐड करोगे तो 8.05। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, मीडियन हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है ना, मीडियन हमने इसमें फाइंड करना था। अगर मीन और मीडियन भी कहा होगा तो आप फाइंड कर लेना स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो काफ़ी टाइमिंग लग जाएगा, तो आप अपने आप कर लेना। ठीक है, देखिए इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है 7 वेट इन किलोग्राम और एफ गिवन है। ठीक है, तो सी एफ फाइंड कर लीजिए, सी एफ कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 में इस 3 को ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 आ गया, 5 में इस 8 को ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस इस 6 को ऐड कर दीजिए 19, 19 आ गया टोटल, 19 को लिख लो प्लस इस 6 को ऐड कर दीजिए, जो भी टोटल करके आएगा ना, अब 25, 25 में ये 3 ऐड कर दीजिए, 28 प्लस 2 ऐड कर दीजिए 30, तो आपके पास n की वैल्यू भी आ गई है 30। ओके, हमारे पास ये n आ गया, तो अब आप लिख लोगे n बाई टू पहले करके देख लीजिए, n बाई टू करके क्या आ जाएगा, 30/2 15। ठीक
ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ एन बाई टू विथ आइटम, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट, और सिंपल भी लिख सकते हो, ठीक है ना, एन बाई टू ओनली। 15 आपके पास आ गया, 15 आप कहाँ पर लोकेट करोगे, सी एफ में 13 और 19 इन दोनों वैल्यूज के बीच में, तो छोटे वाली वैल्यू तो आपके पास क्या हो जाएगी, सी एफ दोनों में से, बड़े वाली वैल्यू के सामने वाला आई ए एफ और इन दोनों में सामने वाला एल, एल हो गया आपके सामने वाला 55, ये वाला फर्स्ट नंबर वाला एल होता है, ये एफ हो गया 6, सी एफ आपके पास क्या हो गया है 13, वो लिख लिया हमने पहले, और एच कितना हो जाएगा 60 में 50 लेस करा 5, और एन बाई टू करके क्या आ गया था आपके पास 15, बस यही हमें वैल्यू मेन चाहिए होती है। उसके बाद आप फॉर्मूला लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मीडियन को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 55, प्लस एन बाई टू करके क्या आया है 15, सी एफ की वैल्यू 13, एफ की वैल्यू 6 और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो 55 इसमें से इसको लेस करो 2/6 इंटू 5, तो 2 1 2 टू 3 जाए तो 55, प्लस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करिए 5/3, तो 55 प्लस ये आ जाएगा आपको डिवाइड करिए 1.66, तो ये हो जाएगा 56.67 भी आप लिख सकते हो यहाँ पर 667, तो ये आंसर आ जाएगा आपको। ओके स्टूडेंट, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो ये मीडियन आ गया, मीडियन को कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, तो हमने इस वीडियो में देख लिया कि 5 और 6 और 7 नंबर क्वेश्चन, 1 और 5 नंबर क्वेश्चन तो हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब हमारा रह जाएगा 14.2 का सेकंड और थर्ड, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू गिवन है ना, वो देखो ये गिवन है लेंथ इन mm। अब हर बार क्या होता है, देखो इससे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था बेटा, इसके हर क्वेश्चन में क्या होता है, देखो इसकी लास्ट वैल्यू, इसकी जो लास्ट वैल्यू है ना हाइफन के बाद, वो इसकी फर्स्ट है, हाइफन के बाद वैल्यू है 105, वो इसका फर्स्ट, इसकी लास्ट इसका फर्स्ट, इसका लास्ट 1045 इसका फर्स्ट 145, इसका लास्ट 165 इसका फर्स्ट 165, इसका 185 इसका 11, मतलब इसका लास्ट इसका फर्स्ट है हर क्वेश्चन में, आप देखोगे जितने भी आपने क्वेश्चन अभी तक किया है, ठीक है, जैसे ये देखो इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इसका 3500 लास्ट इसका फर्स्ट, इसका 4000 लास्ट इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, ओके। लेकिन आप देख सकते हो, देखो 4 नंबर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसका लास्ट इसका फर्स्ट नहीं है, इसका लास्ट भी इसका फर्स्ट नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ जाता है बेटा, पहले जाओ हमें से सही करना है। देखो आप लिखोगे लेंथ इन mm, क्या करना होता है आपको, ये होती है लोअर लिमिट, इस पूरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, ठीक है ना, इसको हम लोअर लिमिट बोलते, तो लोअर लिमिट में से आपने हर एक वैल्यू में से 0.5 लेस कर लेना, तो लोअर लिमिट में से आप 0.5 लेस कर लेंगे, यानी कि इट मीन हम क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, इट मीन हम क्या करोगे, लेंथ इन mm आप क्या करेंगे 118 में से 0.5 लेस कर लो, कितना आ जाएगा 117.5, इसमें से भी 0.5 लेस कर लो 126.5, इसमें से 0.5 लेस कर लो 135.5, इसमें से 0.5 लेस करो 144.5, इसमें से 0.5 लेस करोगे तो 153.5, इसमें से 0.5 लेस करेंगे 162.5, इसमें से 0.5 लेस करोगे तो 171.5, ठीक है ना। 0.5 कैसे लेस करना है, देखो 118 में से 0.5 लेस, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 बच गया 117.5, ऐसे मैंने लिखा है, ठीक है ना, लेस करके। ओके, तो अपर लोअर लिमिट में से तो आपने 0.5 लेस, अब इस सारी वैल्यू इसको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, इस पूरी वैल्यूज को हम बोलते हैं अपर लिमिट, इन सब में 0.5 आपने ऐड करना है, तो इन सब वैल्यू में देखो 126 में 0.5 ऐड कीजिए, 126 प्लस 0.5, पॉइंट के बाद यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो लगा लोगे, तो 0 और 5 5 6 2 1,
126.5, और ये इसमें 0.5 ऐड करोगे 135.5, इसमें 0.5 ऐड करोगे 144.5, इसमें 0.5 ऐड करोगे 153.5, इसमें ऐड करोगे 162.5, इसमें ऐड करोगे 171.5, इसमें आप ऐड करोगे तो 180.5। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हो स्टूडेंट कि देखो इसका लास्ट इसका फर्स्ट बन गया है, इसका लास्ट 145.5 इसका फर्स्ट, इसका लास्ट इसका लास्ट वाली वैल्यू इसकी फर्स्ट, इसकी लास्ट वाली वैल्यू इसकी। बस यही हमने क्वेश्चन में मेन करना था, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल ही है। उसके बाद तो वही है, देखो वैसे ही होगा जैसे पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, सी एफ आ जाएगा आपके पास 3, ये तो सेम ही रहेगा, 3 + 5 = 8, 8 + 9 = 17, 17 + 12 = 29, 29 + 5 = 34, 34 + 4 = 38, 38 + 2 = 50। तो एन की वैल्यू आपके पास आ गई है 50। आप एन बाई टू करके देख लीजिए, एन बाई टू 50 बाई टू 25, 25 किसके बीच में आएगा सी एफ में, इन दोनों वैल्यूज के बीच। तो ये आ गया आपका सी एफ, ठीक है ना। सी एफ तो कितना आ गया, छोटे वाली वैल्यू जो है दोनों में से 17, ठीक है ना, 25 क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में आएगा, तो छोटे वाला जो है वो सी एफ, बड़े वाले के सामने वाली वैल्यू एफ, और यहाँ पर वैल्यू उसके सामने वाली एल, एल कितना हो गया जो छोटा है 144.5, और एफ आपका कितना हो गया 12, और एच कितना हो जाएगा 153 पॉइंट में से ये 144.5 लेस करके देख लीजिए, एच कितना आ जाएगा 153.5 में से -144.5, यानी एच कितना आ जाएगा 9, ठीक है, 153.5 में से -144.5 तो एच 9, और एफ कितना आ जाएगा, एफ आपने लिख लिया 12, और एन बाई टू करके आपके पास क्या आ गया, एन बाई टू करके क्या आ गया 25। बस अब आप लगाओगे यहाँ पर फॉर्मूलाज, मीडियन इज इक्वल टू कैपिटल एम से डिनोट कर लेते हैं, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ ब्रैकेट के बाहर एच। तो एल की वैल्यू आपके पास आ गई है 144.5 प्लस एन बाई टू करके आपके पास 25, सी एफ आपका कितना आ जाएगा, सी एफ आपका था 17, और एफ आपका कितना था 12, और एच कितना आया था 9। तो 144.5 प्लस इसमें से इसको लेस कीजिए 8/12 × 9, तो 144.5 देखो 2 के टेबल पे 4 पे, 2 के टेबल पे 6 पे, और 2 के टेबल पे 2 पे, 2 के टेबल पे 3 पे, तो ये आ गया 2/3 × 9, 144.5 प्लस 3 से 3 पे कट, तो ये आ जाएगा आपका 100। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, लिटिल मिस्टेक, मैंने नोट कर लिया है तो आपको नोट करवा देता हूँ। ये टोटल 38 + 2 = 40 होगा, और यहाँ पर भी 40 में से लेस करोगे 20 हो जाएगा, तो n बाय 2 की वैल्यू 20 हो गई है, ठीक है, हो जाती है कई बार मिस्टेक भी बेटा। 20 - 7 ये आपके पास, यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं, इसके बाद हम यहाँ कर देते हैं मीडियन इज इक्वल टू 144.5, 20 में से 17 लेस करा 3/12 × 9, तो 3 × 3 = 12, 144.5 4 को इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2.25, तो ये हो जाएगा 146.75 आपके क्वेश्चन का आंसर। तो यही हमने इस क्वेश्चन में सोल्व करना था, ओके स्टूडेंट। तो बस अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका लास्ट इसका फर्स्ट नहीं है, तो आप लोअर लिमिट में 0.5 लेस करके लिख लीजिए पहले, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करके लिख लीजिए, एफ में कोई चेंजेस नहीं होगा, बाकी सारा क्वेश्चन वही सेम रहेगा, ठीक है, ओके स्टूडेंट, गुड बाय। तो देख लेना ये वीडियो, अगर आपका कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, ओके स्टूडेंट।